गुड इवनिंग सभी को ऑडिबल एंड विजिबल एक बार बताइए जरा वॉइस प्रॉपर है वॉइस प्रॉपर है एक बार बताएंगे एवरीथिंग क्लियर रेणु वर्मा अनूप मौर्य यशस्वी रुबीना अम्बरीश विशू मोनिका शर्मा सिप्रा हाँ तबीयत तो अभी प्रॉपर नहीं है एक्चुअली वीकनेस बहुत ही ज़्यादा है थोड़ा वीकनेस की वजह से लेकिन मेरा यहाँ आना आज इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप सभी आ, को डिपार्टमेंटल का पेपर एक बार सॉल्व करा के हम ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि मतलब आपके पेपर का लेवल क्या होता है और हम लोगों को एक्चुअली कहाँ तक पढ़ना है ठीक है अभी एक दो दिन रेस्ट और लेना पड़ेगा तो फिर चीजें थोड़ा सा सही होंगी ठीक है तो ये जो डिपार्टमेंटल पेपर है इसमें 120 क्वेश्चंस हैं बायो आ, मतलब बायोलॉजी के जिसमें से आज हम आ, जो है कुछ क्वेश्चन लगभग सत्तर अस्सी क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेते हैं सत्तर क्वेश्चन एक सेशन कर ले लेंगे क्योंकि लगातार एक सौ बीस क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं करा पाएंगे तो हम आपको दिखाना चाहते हैं पेपर आप देखेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आता है और अभी हमारे पास जो पंद्रह दिन बचा हुआ है उस पंद्रह दिन में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये भी आइडिया आप सभी को लग जाएगा ठीक है पंद्रह दिन में जो कैसे प्रिपरेशन करनी है ये आइडिया भी हम लोगों को लग जाएगा और हम हमें ये अब पूरा विश्वास हो चुका है विश्वास तो हमें एन के टाइम से ही हो चुका था कि हम लोग एक सही डायरेक्शन में या सही वे में तैयारी कर रहे हैं लेकिन आज जब पेपर हम लोग जब हमें डिपार्टमेंटल पेपर मिला हमने देखा एनालाइज़ किया तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग की जो प्रिपरेशन है वो बेटर वे में हो रही है एक अच्छे तरीके से हो रही है एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हो रही है ये बात हम बार बार आपसे कहते आ रहे हैं ये बात हम सभी जानते हैं कि हमने कहा है कि सारी चीज़ एन से हो जाएगी इवन एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम प्लांट, प्लांट एनाटोमी मार्फोलॉजी सब कुछ हो जाएगा लेकिन हमने जहां तक देखा एनवीएस और केवीएस में जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर से डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं और कहीं से ज्यादा नहीं जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर से डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर इसीलिए आज हमने केवीएस बैच में हमने कहा भी था कि जेनेटिक्स के डिटेल लेक्चर अपलोड करवाएंगे तो आज अपलोड हुआ है उसको आप पढ़ते रहिए और जितना हमने जेनेटिक्स से डिटेल पढ़ाया है जितना हमने मोलिकुलर डिटेल पढ़ाया है उससे ज्यादा डिटेल नहीं आता है तो आप इसको देखिएगा ठीक है चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इक्टिक इसमें से कौन सा एनिमल इक्वेटिक नहीं है हाँ पंद्रह दिन और मेहनत करनी है और जम के मेहनत करनी है जो डायरेक्शन जिस तरीके से मेहनत हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल वो एक सही वे है मेरे मुझे इस बात का गर्व है कि आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास हैं जो एज़ इट इज़ आप हम हमें फ़ॉलो करते हैं और मुझे इस बात का भी गर्व है कि हम लोगों ने कम टाइम में एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया है और वो एकदम सही चल रहा है ठीक है बस बीच में मेरी थोड़ी तबीयत लेकिन फिर भी सब कुछ हम आपको गाइड कर रहे हैं बस आज हाँ हाँ चलिए ठीक है तो हमने बताया तो जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोटेक उतना नहीं लेकिन जेनेटिक्स और मोलिकुलर बहुत डिटेल आता है चलिए ठीक है देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे एनिमल हैं जो एक्वेटिक नहीं है अब इसमें एक्वेटिक नहीं है में आपका आएगा आंसर क्या वेरी गुड देखिए बैलन टेरा ब्लू वेल है ये एक्वेटिक है टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है ये टेरेस्ट्रियल है चिलोन, टेस्टीडो आप आप लोगों को पता है is, आप कह सकते हैं कि टर्टल है ये ठीक है एक्वेटिक टर्टल और ये तो आपका कौन सा एक और चार है ना मतलब दो और चार तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम भी, भी, भी बिल्कुल आपके एन से आता है ठीक है हाँ वेरी गुड अब आज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गुड हेल्थ के लिए करेक्ट नहीं है फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ हम बस इसीलिए आपके लिए यहाँ पे आए हैं अदरवाइज एक दो दिन रेस्ट लेते कि मतलब आपको पेपर देख के पता चल जाए कि ये पेपर अगर आपके लिए होता तो आप कैसे करते इसको है ना ठीक है चले आप इस क्वेश्चन को देखिए इम प्रॉपर डिस्पोज इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है हेल्थ से बैलेंस डाइट है पर्सनल हाइजीन है रेगुलर एक्सरसाइज है लेकिन इसका कोई कनेक्शन देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जाने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप खुद एनालाइज कर लीजिए तो देखिए आपको समझ में आएगा अब देखना ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही क्वेश्चन है आ, है ना और हमने आपको पढ़ाया भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टाइफाइड फीवर न्यूमोनिया कॉमन कोल्ड डिसेंट्री एग्जैक्टली एनसीआर टी के लाइन सोचिए हम दंग रह गए पेपर देखने के बाद कि हालांकि हम लोग लाइन टू तो लाइन स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली वहाँ की लाइन एकदम उठा के दिया है हर जगह आप देखना अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है टाइफाइड फीवर तो फूड एंड वाटर बॉर्न है ही ये है ना अगर हम निमोनिया की बात करें तो इनहेल्ड एरोसॉल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन कॉमन कोल्ड ड्रॉपलेट फ्रॉम स्नीजिंग डिसेंट्री ट्रांसमिट पैरासिटाइट फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड फूड है ना फूड टू फूड तो आप इसका क्या आंसर लगाएंगे दो एक चार तीन है ना इसका क्या ऑप्शन है भाई जल्दी से बताइए आप हमें अरे तीन से है ना तीन एक चार दो ठीक तो ऑप्शन क्या हो गया इसका थ्री ऑप्शन करेक्ट वेरी गुड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाई मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्यों मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से ही स्प्रेड होता है इसका आंसर मजा आ गए ये क्वेश्चन देख कर, वेरी गुड हम यही तो चाहते हैं अंजलि सिंह मैम प्लीज बताइए क्रैश कोर्स से पढ़े एनसीआरटी सीरीज से क्रैश कोर्स से भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है एनसीईआरटी सीरीज से भी पढ़िए लेकिन क्रैश कोर्स में आपको डिटेल लेक्चर मिले हैं लाइक एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम वो ना डिटेल नहीं पढ़ना है आप एनसीईआरटी सीरीज लिए हो तो एक बार पूरा एनसीईआरटी सीरीज रिवाइज कर लीजिए जितने भी वीडियो वहां पर हुए हैं ठीक मैम आवर एग्जाम विल ऑल्सो भी ऑफ ऑलमोस्ट यस आपके भी एग्जाम एकदम सेम इसी लेवल के होंगे क्योंकि फीमेल एनोफिलीज मॉस्कूटो ह्यूमन ब्लड पे फीट करता है यही एकमात्र रीजन है बस वॉट काइंड ऑफ रिपोडक्शन डज द स्पोरोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम अंडर गो इन द ह्यूमन होस्ट ह्यूमन होस्ट के अंदर प्लाज्मोडियम का कौन सा रिपोडक्शन होता है सीधा सीधा चिल्ला चिल्ला ये तो सबको पता है बच्चा बच्चा जो भी यहाँ पे पढ़ता होगा कहीं पर भी पढ़ता होगा उसको पता है कि मैन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है और मॉस्क्यूटो में कौन सा होता मैन में ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है और मॉस्क्यूटो में सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है तो आपको पता है इन ह्यूमन होस्ट ह्यूमन होस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्शुअल वेरी गुड ठीक चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर इसमें से कौन इंसेक्ट वेक्टर से ट्रांसमिट नहीं होता है तो हमें ह्यूमन हेल्थ से आप सोच लीजिए कि एग्जामिनर का दिल जिस पे ना आ जाए जिस चैप्टर पे वो हमने देखा है ये चीज किसी किसी बायोटेक से कभी कभी दस दस क्वेश्चन दे देते हैं छोटे से टॉपिक से कभी कभी दिया तो प्लांट फिजियोलॉजी से दस दस क्वेश्चन दे दिए एक छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखिए लाइन लगी हुई है क्वेश्चन की अभी कल ही या परसों ही कल ही अपलोड हुआ था ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वीडियो आज भी डिटेल वीडियो भी अपलोड किया था हमने बिल्कुल एसकेरियसिस बाकी सब इंसेक्ट वेक्टर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कंट्रोल द वैक्टर ऑफ डिजीज एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस इसमें से कौन सा मेथड नहीं है मतलब डिजीज़ को और उसके वैक्टर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर क्लिनिंग ऑफ वाटर कूलर तो बिल्कुल सही है यूज़ ऑफ मॉस्क्यूटो नेट स्प्रेंग इंसेक्टिसाइड इन डीचेस ड्रेनेज एरिया एंड स्वयं बिल्कुल सही है कीपिंग डोर एंड विंडो वाइड ओपन एट द ऑल टाइम जिसके जिस की वजह से कुत्ते भैंस गाय सांप सब आ जाए अंदर जूही तो भी अभी रुकी है तो जरा मैम आपका टेस्ट तो काफ़ी आगे है इससे अभी अभी तो ये डेमो है ना ये तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी जब सत्तर के बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे तो सत्तर के बाद वाला क्वेश्चन हम आज लेके ही नहीं आए ताकि आपका होश ना उड़े जोश आ हाई रहे अभी फिर बाद में पता चलेगा और अभी क्वेश्चन देखिए मज़ा आएगा कि क्वेश्चन शायद हमने आज ही आपके रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कल अपलोड हो गया था मतलब कल बन गया था और जो जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है रिप्रोडक्शन से वो क्वेश्चन यहाँ पे है आज आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे आप, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आज के ही टेस्ट में था ये क्वेश्चन है ना आप बताइए कि इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है क्या करेक्ट सीक्वेंस है थोड़ा हलवा है ना विशु विशु भातखंडे

नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डज़ द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी गेट अरेस्टेड ये क्वेश्चन भी दे, दिया जा चुका है और मेरे ख्याल से आज ही के पेपर में ये क्वेश्चन आया है आज का जो आपका ये प्रोडक्शन वाला पेपर है उसमें ये क्वेश्चन भी है विनीता सिंह वही तो हम कह रहे हैं कि लास्ट के जो क्वेश्चन हैं सत्तर के बाद वाले जो क्वेश्चन अस्सी के बाद आई थिंक तीस क्वेश्चन के आसपास चालीस क्वेश्चन के आसपास हाई लेवल के क्वेश्चन है उसमें जेनेटिक्स ने एकदम जान ले ली है और जेनेटिक्स और मोलिकुलर से क्वेश्चन अच्छे आए हैं तो हम बार बार हमने आपको एन के टाइम भी ये बात कहा था कि देखिए आपका एन सी है लेकिन जेनेटिक्स मोलिकुलर को छोड़ के ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं और रोज कहते हैं भी आज कल भी मैं भी कहा था हाँ तो बताइए प्राइमरी ऊसाइट किस में अरेस्ट होता है प्रोफेज वन के म्योसिस के डिप्लोटीन आज वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन है देख लेना आप जो आज का ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है हाँ वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी हम लोग कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं और आज के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेज अर्ली एम्ब्रियो और ट्रांसफर्ड इन टू द फेलोपिन ट्यूब हमने कहा था एम्ब्रियो कितने ब्लास्टोमियर्स तक का रहेगा तो फेलोपिन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे और कितने ब्लास्टोमियर्स तक का रहेगा तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे तो आप हमें बताइए एम्ब्रियो कितने सेल्ड स्टेज में रहेगा कि उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से बताइए जल्दी से वेरी गुड टू एट ब्लास्टोमियर तक है तब तो हम इसको फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे लेकिन अगर सिक्सटीन ब्लास्टोमियर से ज्यादा का है, है ना तो उसको हम कहां पे डालेंगे फिर हम उसको वो आ जाएगा मोरूला स्टेज से आगे ब्लास्ट स्टेज में आ जाएगा तो उसको डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर तो इंट्रा इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर ठीक है और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या हमने आपको बताया था जिफ्ट और गिफ्ट के बारे में ठीक चलिए वेरी गुड नेक्स्ट है सेलेक्ट एन इनकरेक्ट ऑप्शन टू सजेस्ट द नीड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आज के टेस्ट में एम से भी क्वेश्चन है क्योंकि देखिए जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उससे हम तो वैसे भी एक एक क्लाइंट से पेपर बना देते हैं है ना तो यही है एम की ज़रूरत किस केस में नहीं होनी चाहिए एम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो लीगलाइज किया गया था इंडिया में 1971 में उसकी ज़रूरत किस केस में नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन ये पूछना जा रहा है टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड यूज एमनियोसेंटेसिस बिल्कुल सही है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी फेटल ईदर टू मदर आर बेबी चाहे मदर के लिए ख़तरनाक हो या बेबी के लिए तो तब भी एम कराया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी रेप केस वगैरह हो गया तो उस वक्त भी कराया तो ये तीनों तो इस केस में कराना चाहिए लेकिन फीमेल फीटिसाइड कराने के लिए नहीं है ना ये अलाउ नहीं है कि भाई आप सेक्स चेक करो बच्चे का और फीमेल फीटिसाइड कराओ तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन क्यों ये ऑप्शन ध्यान से तो पढ़िए एक बार अरे पूछा जा रहा है टू डेटरमाइन द सेक्स ऑफ अर्नम। ही ऑप्शन होगा ना ठीक है ठीक नेक्स्ट देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म स्टेम सेल हैविंग द पोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन अब इसमें कह रहा है कि मतलब एम अभी ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में भी है हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आज के टेस्ट में ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन आज के भी टेस्ट में है है ना देखना आप आज का जो टेस्ट है उसमें सेम क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि मतलब आगे चल के जो है गिव राइज टू ऑल द टिश्यू मतलब स्टेम सेल की बात कर रहे है तो स्टेम सेल कौन है इनर सेल मास आई सी एम जिसको हम एम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं एम्ब्रियो तो हमें पता है हमारा जो ब्लास्टूला होता है ह्यूमन का ब्लास्टूला ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है क्योंकि एक बाहरी लेयर ट्रोफोब्लास्ट होती है और अंदर कुछ इनर सेल मास होता है तो इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट इसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते और यही आगे चल के क्या बनाता है ये पूरा ऑर्गन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फंक्शन ऑफ प्लासेंटा प्लासेंटा का करेक्ट फंक्शन क्या नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पे सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रियट बिल्कुल है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइक् एक्सक्रीटरी वेस्ट बिल्कुल है प्रोड्यूस द हार्मोन रिलैक्सिंग हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस टू एंड फ्लो फ्रॉम एम्ब्रियो बिल्कुल सही है मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलैक्सिंग तो ओवरी से रिलीज होता है किससे ओवरी से किसी किसी बुक में प्लासेंटा दिया रहता है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है जो रिलैक्सिंग हार्मोन होता है वो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ओवरी से रिलीज होता है ठीक तो सी ऑप्शन करेक्ट चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए इमर्स फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ अ जीन विद नेटिव प्लाज्मिड इनकोडिंग ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर बताइए एकदम आसान सा क्वेश्चन है फूड रिक्वायरमेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टेम्परेट टॉलरेंट या ड्रॉट रेजिस्टेंट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी लिंकिंग ऑफ अ नेटिव प्लाज्मिड नेटिव प्लाज्मिड मतलब आर डी एन ए जनरली किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बिल्कुल सही वेरी गुड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ठीक नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबको पता है पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है कौन हिंड थ्री हिंड वन हिंड टू इको आर वन बाम एच वन ठीक है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बेसिलस एमाइलो ठीक एस्टिरिशिया सबको पता है हिंड सेकेंड हिंड सेकेंड अभी मजा आ रहा है ना कितना आसान सा पेपर है है ना सोर्स ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए जो कि पीसीआर में यूज करते हैं अब हम क्या बताएं कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देने चाहिए ऐसे क्वेश्चन सूखे मैम आई एम योर न्यू स्टूडेंट आपकी प्लेलिस्ट है 229 वीडियो है केवीएस पीजीटी बायो के टॉपिक कर लूं वहां है प्लीज देखिए वहाँ से सारे टॉपिक तो नहीं मिलेंगे अब ऐसे कुछ, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देने चाहिए है ना अब दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सी मेरिट तो उसी के आधार पे बनेगी कोई दिक्कत नहीं है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें अब देखना बायो रिएक्टर्स बायो रिएक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे दो तरीके के स्पार्स और स्टीयर टैक्ड स्टियर्ड टैंक किसमें बायोटेक में बायो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बार बार हमने देखा है कि बायो रिएक्टर से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं एनवीएस केवीएस में अभी भी पूछे जा रहे हैं तो बायो रिएक्टर्स है हमारे बायोटेक्नोलॉजी में तो वहाँ पे पूछ रहा है बायो रिएक्टर एक बड़े बड़े टैंक होते हैं और उसी में हम अपने डिजायर्ड जीन जो हम लोग आर डी बनाते हैं उसी के प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे इंसुलिन बनाना है तो हम लोग इको आर में या सॉरी ईकोलाई में हम लोग क्या करते हैं इंसुलिन के जीन को इंजेक्ट करके ठीक है तो प्लाजमिट के साथ इकोआर के साथ अब हमें ये जानना है कि बायो रिएक्टर्स हेल्प टू हार्बर क्लोन्ड जीन्स फॉर द डिज़ायर्ड प्रोटीन बिल्कुल सही है बिकॉज बायो रिएक्टर्स लार्ज वेसल्स जिसमें हम अपने अनुसार रॉ मटेरियल डाल सकते हैं विद ऑल द नेसेसरी करेक्ट तो ये इसका ऑप्शन ए सही है वेरी गुड मतलब बायो रिएक्टर्स में ही हम अपने डिजायर्ड प्रोटीन को बनाते हैं क्योंकि उसके पास एक लार्ज टैंक होता है वो जिसमें हम ऑल द नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपने रॉ मटेरियल डाल के अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं तो ये दोनों ही सही हैं इसके असर्शन भी सही है रीजन भी सही है उसका एक्सप्लेनेशन भी है इंसुलिन अभी किसी ने हमसे पूछा था हमने देखा मैसेज कि मैम इंसुलिन प्राइमरी या क्वाटरनरी रोज बताते हैं भाई इंसुलिन और हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी प्रोटीन है कितना आसान सा सवाल है क्वार्टरनरी प्रोटीन तो क्योंकि इंसुलिन की अगर बात करें तो ए चेन बी चेन स्टार्टिंग में सी चेन भी होता है लेकिन मेचुरेशन के दौरान सी चेन हट जाता है ए में 21 और बी में 30 है ना तो ये कौन सा प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है क्वार्टरनरी नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखिए कितनी बार ये बात बताई गई है नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ फैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर फैट वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होता बार बार बताएं हम लोग जब पढ़ रहे थे हाँ, कि फैट भाई वाटर में डिजोल्व क्यों नहीं होता क्योंकि ये मिसल्स बना लेते हैं अब दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर तो बिल्कुल गलत है जरूरत सवाल ही नहीं है दे डिजॉल्व इन वाटर बिल्कुल गलत है Do नॉट ज्वाइन द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वॉटर दे हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ये तो मान सकते हैं लेकिन हाइड्रोकार्बन पोलर थोड़े होता है हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है तो गुड हाइड्रो कार्बन हाइड्रोकार्बन तो उसकी टेल में है ही आ, नहीं हाइड्रोकार्बन चेन है हाइड्रोकार्बन तो उसके पास है ही लेकिन वो पोलर नहीं होता है वो हाइड्रोकार्बन कैसे पोलर हो सकता है हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है नेक्स्ट द सेल साइकिल कंप्राइज बच्चा समझ लिया है एग्जामिनर ने है ना सेल साइकिल कंप्राइज क्या क्वेश्चन है भाई सेल साइकिल कंप्राइज सेल साइकिल में इंटरफेज और माइटोसिस यही तो हम कहेंगे इंटरफेज एंड प्रोफेज तो कहेंगे नहीं प्रोफेज मेटाफेज तो कहेंगे नहीं मेटाफेज एनाफेज तो कहेंगे नहीं प्रोफेज और इंटरफेज आई और एम फेज कहेंगे है ना आई और एम फेज कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर अब इसमें कह रहा है कि कौन इसमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर नहीं है बस आप ये मान के चलना कि ये आपका पेपर हो रहा है और आप देखो कितने आंसर कर रहे हो प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन है मीजोजोम है मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है इसमें बाकी राइबोसोम तो है तो आपसे पूछ रहा है कि कौन नहीं है तो सी नहीं है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट गॉल्जी एपरेटस गॉल्जी एपरेटस की अगर हम बात करें गॉल्जी एपरेटस की बात करें तो क्या है हैज़ ए स्मूथ एंड रफ सरफेस हैज़ फॉर्मिंग एंड मेच्योरिंग फेस कैन परफॉर्म फेगोफलोसिस हैज़ मेम्ब्रेन विद मेनी फोल्ड जल्दी से बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है गॉल्जी बॉडी के पास Uh, सुखे सेरियन क्या नाम है आपका हम बार बार कह रहे हैं कि प्ले लिस्ट इज नॉट सफिशियंट फॉर योर केवीएस एग्जामिनेशन वो तो मेनली टीजीटी पीजीटी टी एल टी जी ऐसी के लिए है ना? हाँ. भगवान ऐसा भी पूछ लेते हैं घबराइए है नहीं ट्रेजेडी हम लोगों के साथ होती है <laughs> वो ना हो जाए फॉर्मिंग एंड मेच्योरिंग सिस फॉर्मिंग सिस फेज है ना फॉर्मिंग फेज को ही फेज या फिर कॉन्वेक्स फेज कहते हैं मेच्योरिंग को फेज हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट इन सेल फॉर एंजाइम एक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इसमें कह रहा है कि मैग्नीज नेसेसरी फॉर ऑलिगो प्रोटीन एंड ग्लाइको प्रोटीन गलत है अगर मान लीजिए प्रोटीन बनाने की बात करता भी है तो मैग्नीशियम होगा जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है मैग्नीज तो नहीं है आयरन ज एसेंशियल फॉर यूटिलाईजिंग द ए टी पी मतलब जो भी एंजाइम ए टीपी यूज करते हैं क्या आयरन हेक्सोकाइनेज है ए टीपी यूटिलाइज करता है जरूरी नहीं है उसमें आयरन है तो यह भी गलत है मैग्नेशियम अकर इन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ये बहुत इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जहां पर मैग्नेशियम उसका होता है ठीक है ओके चलिए और कॉपर फॉर नाइट्रोजिनेस नहीं नाइट्रोजेनेस के लिए मोलिबेनियम है वेनेडियम है आयरन है कॉपर तो नहीं है ठीक चलिए नेक्स्ट देखिए एगैर अब आपसे पूछा है जो एगैर है वो कहाँ से ऑप्टेन होता है एगैर फॉर प्रिपेयरिंग सॉलिड कल्चर मीडिया यह है क्या सी वीड टेन इन रेज एनिमल फेड फंजाई किससे भाई रेड एल्गी रेड एल्गी क्या है सी वीड है ग्रेसलेरिया एंड जलिडियम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फीचर ऑफ लॉक एंड की लॉक एंड की के बारे में क्या इनकरेक्ट हाँ संदीप प्रजापति इंसुलिन स्ट्रक्चर है क्या कह रहा है प्रोवाइड डिग्री ऑफ स्पेसिफाइसिटी अरे ये तो एकदम फिक्स्ड होता है डिग्री ऑफ स्पेसिफाइसिटी की बात ही नहीं कर सकते है. अरे हाँ Uh, क्या पूछा है इनकरेक्ट पूछा है ना इनकरेक्ट पहले ध्यान से समझिए पढ़िए हम लॉक एंड की की बात कर रहे हैं प्रोवाइड फंक्शनल डाइवर्सिटी कैन रिएक्ट ओनली विद द मॉलिक्यूल दैट कॉम्प्लीमेंट एवरी रिएक्शन रिक्वायर्स द सेम क्या कह रहा है भाई फंक्शनल डाइवर्सिटी डिग्री ऑफ इनकरेक्ट पूछा है ना तो इनकरेक्ट क्या कह रहा है एवरी रिएक्शन रिक्वायर द सेम एंजाइम ये तो गलत है यही भाई एवरी रिएक्शन सेम एंजाइम कहां से होगा एवरी रिएक्शन रिक्वायर्स सेम एंजाइम ये चीज गलत है नहीं संदीप प्रजापति ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है इंसुलिन क्वार्टनरी होता ही है शुरुआत से भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल अब तो ये तो बहुत अन्याय हो रहा है आप लोगों के साथ एनर्जी मॉलिक्यूल पूछ दिया भाई ए है तो हम बताइए एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल एनर्जी जिसको आप कहते हैं तो ये क्या है ए है डॉक्टर शालिनी चौहान ने सर पे हाथ रख लिया म्योसिस कॉज जेनेटिक वेरिएशन विद इन द स्पीसीज बिल्कुल सही है मियोसिस से ही जेनेटिक वेरिएशन आता है बिकॉज बिकॉज लगाइए फिर पढ़िए मतलब समक की बचत करना हो तो तुरंत बिकॉज लगाइए जेनेटिक कंसिक्वेंसिस अकर ड्यू टू पेयरिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ तो ये बिल्कुल सही है इस क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है पेयरिंग होता है तभी तो वेरिएशन आता है तो ये भी सही है ये भी सही है और रीजन भी है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट की हमारे पास नहीं है आंसर की की हमारे पास नहीं है और हम लोग आंसर की का जनरली सहारा भी नहीं लेते हैं कभी कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो इतनी गाली भी सुनते हैं कि खुद पढ़ के आओ तब बताओ खुद ही नहीं आता तो क्या पढ़ाते हो है ना जल्दी बताइए वेरी गुड वेरी गुड ट्रॉफिक पोजिशन ट्रॉफिक होता ही है हाइपर वॉल्यूम निश का मतलब फंक्शनल स्टेटस भी है ट्रॉफिक पोजीशन को भी है है ना इसमें क्या कह रहा है वन निश अकोपाई बाय सिंगल ईच इकोलॉजिकल निश फ्री फ्रॉम कंपटीशन हाँ तो इसका ऑप्शन क्या है बी है ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल पिरामिड नेवर इन्वर्टेड जहां ही नेवर इन्वर्टेड की बात कर दे जहां भी नेवर इन्वर्टेड की बात कर दे वहां पे हमें क्या कहना है कुछ नहीं देखना है और तुरंत से बस ध्यान लगाना है कि भाई एनर्जी कहाँ है कुछ भी सोचना समझना ही नहीं है स्टेटमेंट सारा पढ़ना ही नहीं देखना है पिरामिड ऑफ एनर्जी कहाँ दिया है बस इसी को लगा दो कुछ करना ही नहीं वो एक क्वेश्चन का गलती हो गया था ना प्रसिड और प्रोसीड में और लिटरली हम कन्फ्यूज थे उस क्वेश्चन में पी एस टू प्रसीड पी एस वन या प्रोसीड तो उस क्वेश्चन में एक बार ऐसे गलती हो गई थी तो उस पर बहुत गाली मिलती है कि खुद आता नहीं है पढ़ाने चले तो बहुत बहुत है चीज़ें हम लोग एनवीएस का पेपर सॉल्व कर रहे थे कुछ में पी एस टू प्रोसीड या प्रोसीड करके दिया हुआ था ठीक अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म करेक्ट मैचिंग पेयर शार्क एंड सकर एलगी फंजाई लाइक एंड म्यूचुलिज्म देखते से करेक्ट पूछा है ये तो होना नहीं करेक्ट तो हमें यही मिल गया एलगी फंजाई जो है लाइक एंड में हाँ पेपर बहुत ईजी है पेपर इजी है पेपर इजी है ऑर्किड तो इपीफाइट है कस्क्यूडा भाई पैरासाइट है है ना तो आप कहेंगे ये तो पैरासाइट तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया एलगी फंजाई वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट की स्टोन स्पीसीज पढ़ाया हमने की स्टोन स्पीसीज क्या करता है इसके बारे में हमने आपको रिवेट पॉपर था इकोलॉजी में आगे अभी पढ़ाएंगे भी है ना तो कह रहा है Capable of surviving in condition, कैसे ऐसा इतना मजबूत थोड़े होता है वो इंडिकेट प्रजेंस ऑफ सर्टेन मिनरल सपोर्टिंग अदर स्पीसीज को हाँ डी ऑप्शन करेक्ट अदर स्पीसीज की सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है है ना डी ऑप्शन करेक्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट अदर की स्टोन स्पीसीज पढ़ाया था हमने आपको की स्टोन स्पीसीज अदर स्पीसीज के सर्वाइवल मुखिया होता है रिवेट पॉपर हेपथिस पढ़ाया था आपको याद आ रहा है किसने दिया था जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे रिवेट पॉपर हेपथिस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बताएंगे किसने दिया था फटाफट बताइए वहां पे हमने की स्टोन स्पीसीज आपको इकोलॉजी में पढ़ाया कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट ने एक रेट की पॉपुलेशन को स्टडी किया था नेटेलिटी उन्होंने पाया 250 है मोर्टेलिटी है ना मोर्टेलिटी उन्होंने पाया 240 है इमिग्रेशन बीस है और इमाइ्रेशन e तीस है तो हमें पॉपुलेशन की नेट ग्रोथ अगर देखनी हो है ना तो नेट पॉल एलरिच वेरी गुड टिलमैन ने नहीं दिया था पॉल आप अगर पाथफाइंडर की बात करेंगे संदीप प्रजापति तो उन्होंने प्रणव सर ने कॉर्नर में टिलमैन दिया है कॉर्नर में उन्होंने टिल मैन लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में एनसीआरटी में पॉल एलरिच ने दिया है ठीक है संदीप प्रजापति Pathfinder ने सर ने लिखा है कॉर्नर में जीरो बिल्कुल सही <coughs> तो ये क्या है नेटेलिटी प्लस मतलब 270 हो गया और ये भी 270 हो गया तो जीरो हो गया है ना जीरो हो गया नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट इफ यू ऑल एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एरिया रिलेशनशिप की बात करें बताइए हमने इकोलॉजी पढ़ाते टाइम आप लोगों को एरिया रिलेशनशिप बताया था वॉन किसने दिया था वॉन हमबोल्ट ग्राफ कैसा है पैरा बोला अरे हाइपर बोला ग्राफ कैसा था हाइपर बोला है ना किसने दिया था वान हमबोल्ट ने दिया था अफ्रीकन ये एक जन थे जियोग्राफिक पर भी थे और अफ्रीका के जंगलों में ये रिसर्च कर रहे थे हमने कहानी बताई थी आपको कि जब वो जितना जितना एरिया एक्सप्लोर करते गए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि यहाँ से और क्वेश्चन आए हुए हैं सोच लीजिए इसी एक स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप से दो दो क्वेश्चन पूछा गया है तो जैसे जैसे उन्होंने एरिया एक्सप्लोर किया वैसे, वैसे वैसे उनको क्या मिला वैसे वैसे, वैसे उनको मिला कि स्पीसीज़ डाइवर्सिटी बढ़ रही है लेकिन एक सर्टेन एरिया के बाद ये घट गया तो ये जो इसका एस इज इक्वल टू सी एड ये हाइपर बोला है लेकिन जब लीनियर अपने लॉग स्पेल पे ड्रॉ करेंगे तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए है ना वॉन हम किसने दिया था वॉन हमबोल्ट ने अब इन्होंने ये एनसीआरटी की लाइन है इसको हम पढ़ाएंगे आपको कि किसी लार्ज एरिया के लिए इसकी वैल्यू पॉइंट सिक्स टू पॉइंट वन होती है बाकी इसके बारे में हम पढ़ाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा ग्राफ को जिसमें एस जो है स्पीसीज रिचनेस है स्पीसीज रिचनेस है ना सी जो है वाई इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट ए एरिया है एरिया है और जेड जो है वो लाइन ऑफ रिग्रेशन है लाइन ऑफ रिग्रेशन जिसको रिग्रेशन इसमें सब नोट कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा कहीं से भी क्वेश्चन पूछा है रिग्रेशन कोफिशियट आपसे यही पूछ देगा जेड क्या है सी क्या है तो ये आपको लॉग स्केल पे ये और एक्चुअल में ये है ना ठीक इतनी बात सभी को समझ आ रही है लॉग लॉग हाइपरबोला के लिए ये फॉर्मूला है लॉग स्केल या लीनियर ग्राफ के लिए फॉर्मूला है ये याद रखना है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत आसान है इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना और रेड करना व्हेन आई विल टीच यू आई विल एक्सप्लेन इट वेरी इजीली, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए फाइंड द वन विद रेस्पेक्ट टू पैरासिटिज्म। भाई हम कहें पैरासिटिज्म के रेस्पेक्ट में कौन ऑड है ये पैरासाइट है ये पैरासाइट है ये पैरासाइट है ये पैरासाइट नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट देखिए फीचर ऑफ द जीरो फाइटिक प्लांट लीव्स आर आपसे सच्चाई बता दें ये नीट का क्वेश्चन है ये नीट में एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है आ, किस ईयर में मुझे याद नहीं है मोस्टली क्वेश्चन वहीं से लिए गए है ना तो भाई जीरोफाइटिक प्लांट में लेदरी सरफेस है है ना लार्ज सरफेस एरिया गलत वैक्सी क्यूटिकल है संकन ऑन अपर एपिडर्मिस नहीं लोअर पे होता है तो ये तो तो ये भी नहीं है आपका ऑप्शन आप इसमें क्या पूछ रहा है इसमें कई ऑप्शन है इसमें कई ऑप्शन है यहाँ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है इसमें ऑप्शन है ए एंड सी ये टाइपिश से गलती हो गई है इसमें ऑप्शन है ए एंड सी सही है चार ऑप्शन है उसमें से ये पूछा गया है चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ए बी बी सी सी डी ऐसे करके तो ए एंड सी इसका ऑप्शन है वैक्सीक्यूटिकल है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट द मिस मैच सेलेक्ट द करेक्ट मैच करेक्ट मैच में सेडिमेंट्री साइकिल बिल्कुल गलत क्योंकि एस एस पी बार बार चिल्लाते हैं आपके लिए सल्फर एंड फॉस्फोरस सेडिमेंट्री है सी एन जी कार्बन नाइट्रोजन गैसियस है तो ये तो है नहीं नाइट्रोजन गैसियस है ना किसी पॉइंटीज लाइक है ये सही है सेकेंडरी सक्सेसन किसी भी ऑलरेडी प्रेजेंट कम्युनिटी किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो वहां पे सेकंड बिल्कुल सही पिरामिड ऑफ बायोमास कभी भी बायोमास ऑफ सी मतलब एक्वेटिक वो तो अपराइट नहीं होगा इन्वर्टेड होगा तो ये गलत ये गलत आपसे करेक्ट पूछा है तो ए एंड सी ए एंड सी सही है ए एंड सी सही करेक्ट पूछा है ना सॉरी करेक्ट पूछा है तो बी एंड सी है बी एंड सी है कौन सा पेपर है हेलो ऑडिबल आ रही है वॉइस आ रही है प्रॉपर एक बार बताइए अभी आ रही है अभी आ रही है एक बार बताइए ज़रा आ रही है अभी ठीक है तो आप देखिए एक बार क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या आ, है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टुंड्रा परमाफ्रोस्ट बिल्कुल सही है कि पर टुंड्रा में जो है वो क्या रहता है कि वो परमानेंटली फ्रोजन हमने पढ़ाया भी है सवाना सवाना क्या कहते हैं मतलब ऐसा ग्रासलैंड जिसमें स्केटर्ड ट्री हो बिखरे हुए ट्री हो उसको सवाना कहते हैं पेरीज की अगर हम बात करें तो ये ग्रासलैंड है क्या है भाई पेरीज तो ग्रासलैंड है ईपीफाइड नहीं है जो है है है, ग्रासलैंड, ना? पेरी एक ग्रास है। ठीक? हाँ। एवरग्रीन, तो बिल्कुल टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आप पता है इसमें एक्चुअली में बहुत जल्दी में हमने पेपर टाइप कराया था तो यहाँ पे ये दिया हुआ था हम बना भी दे रहे हैं आपके लिए ये डायग्राम बस और बस यही डायग्राम है बस इतना इसमें कुछ लिखा नहीं है यही डायग्राम अब इस डायग्राम को देखिए और बताइए किस तरीके का पिरामिड है इस डायग्राम को देखिए और बताइए किस तरीके का पिरामिड है जल्दी से जो बताएगा उसको और ये चीज हम हमेशा पढ़ाते हैं हमेशा कहीं ना कहीं तो इसे हम क्रैश कोर्स भी दिए उसमें भी हम आपको बताए थे जो स्टार्टिंग का क्रैश कोर्स था नहीं नहीं पिरामिड ऑफ बायोमास क्यों कहेंगे ये है कैसा ये पिरामिड स्पिंडल शेप है भाई कैसा है स्पिंडल शेप हमने बार बार कहा है कि जो स्पिंडल शेप्ड पिरामिड होता है वो फॉरेस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का पिरामिड ऑफ नंबर होता है पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप्ड फॉरेस्ट और क्योंकि देखिए फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट मतलब हर्बीवोर उनसे ज़्यादा होते हैं फिर कार्निवोर उनसे कम होते हैं है ना? तो ये ट्री हो गया ये प्रोड्यूसर ये हरबीवर ज्यादा होते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ठीक? तो, तो ये आ गया आपका ऐसे ही डायग्राम दिया हुआ है एग्जाम में नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट द ओपन ओशियन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द मतलब जो रेन फॉरेस्ट है और ओशियन है इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है बार बार ये बात हमने बताई है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है उसका रीज़न ये है सीजनल वेरिएशन कम है पहली बात तो ये लेकिन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यहाँ बहुत फास्ट होता है यहाँ पे न्यूट्रियन साइक्लिंग बहुत फास्ट होता है दिस इज़ द रीज़न हाँ दिस इज द रीज़न इसमें नहीं द दोप्रिएट रीजन कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बहुत फास्ट होता है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्या होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा मैज द फॉलोइंग अब ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं सी ऑप्शन करेक्ट है भाई अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट होगा न्यूट्रिय साइक्लिंग बहुत फास्ट होता है टी वी आर वी भाई सिंपल सी बात है टाइडल वॉल्यूम और ये तो आपका ही हो ही गया एक्सप्रेडरी कैपेसिटी ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ई आर वी और आर वी और ये टोटल लंग कैपेसिटी। ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोगों के लिए बच्चे भाई अगर आप रजनी अंजलि राजवंशी और रानी डॉक्टर शालिनी अगर आप ये पूछेंगे कि डी क्यों नहीं होगा तो ए क्यों नहीं होगा यहाँ पे पता है ये एन सी एन सी आर टी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जैसे हैं ये ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन आपको यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है एनसीआर टी एग्जाम्पलर यही कहती है और यही सिखाती है कि चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ठीक चलिए नेक्स्ट देखिए हाँ ऑलरेडी मैस्ड किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसको हम कह सकते हैं रिप्लाई ऑफ द सेशन ऑलरेडी मैस्ड एंड प्राइस गोज टू जयप्रकाश सिंह मतलब प्रिया सिंह है ना चलिए नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो यहां पे क्या है मोनोसाइट्स नॉन मोटाइल एंड फैगोसाइट ऐसे क्वेश्चन हम लोग बनाते रहे हैं है ना मोनोसाइट नॉन मोटाइल है हो ही नहीं सकता फिडोपोडिया क्यों है इसके लिए तो आप कह सकते हैं कि जो मोनोसाइट है ठीक ये नॉन मोटाइल तो है नहीं हम्म ये मोटाइल है तो ये तो गलत है ठीक आरबीसी बी बी सी प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो बेसोफिल स्मॉल इस बार बॉडी बेसोफिल में नहीं न्यूट्रोफिल से रिलेटेड है तो ये भी गलत है इंपॉर्टेंट फंक्शन लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी अभी हम यही क्वेश्चन अभी हमने जल्दी ही दिया था इस तरीके का क्वेश्चन तो ये सही आपसे पूछा है इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट कौन कौन सा है वन एंड थ्री तो वन एंड थ्री यहां मान लीजिए इसमें दो वन एंड थ्री इनकरेक्ट इनकरेक्ट पूछा है ना आर इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट वन भी है और थ्री भी है तो मतलब सी मान के चलते हैं क्यों बी लिंफोसाइड तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते ही है ना रिचा सक्सेना और जो है अंसारी ऐसे कैसे बता रहे हो आप लोग ठीक चलिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी आपको फर्स्ट हर्ड साउंड जस्ट मिनट हाँ फर्स्ट हर्ड साउंड की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी ये तो एकदम बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है है ना वेरी गुड लप ड्यू टू क्लोजर ऑफ ए वी वॉल्व फर्स्ट एवी वॉल्व सेकेंड सेमी लूनर वॉल्व हमने कहा था हर्ड साउंड कभी भी प्रोड्यूस होगा तो वॉल्व के क्लोजर से होता है और अब इस क्वेश्चन को पढ़ना और हमने कितना शिद्दत से इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार किया है कितना शिद्दत से हमने इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार किया है जल्दी से बताइए ये तो टेस्ट के क्वेश्चन हैं हम लोगों ने सॉल्व किए थे टेस्ट में तो इससे हाई लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं जहाँ तक हम देखते हैं आज का टेस्ट किसी ने कितने लोगों ने दिया है देखिए जरा आज का टेस्ट हमें देखने में बड़ा मज़ा आता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं इस क्वेश्चन के लिए हमने बहुत से तैयार किया है आप लोगों को बार बार बताए हैं कि ब्लड में रहता है लेकिन टिश्यू में जाके फिक्स हो जाता है उसका नाम बताओ तो आप बताते हो हमें दैट इज मोनोसाइट ये ब्लड में जब तक रहेगा ब्लड में फेगोसाइटोसिस का काम करेगा घूमता रहता है घूमता रहता है लेकिन डायबिटिसिस के बाद जैसे ही स्क्वीज आउट होता है कैपिलरी से और फिर टिश्यू में जाके फिक्स होके मैक्रोफेज बना लेता है जैसे लीवर में कफर सेल बना लिया ब्रेन में मिजन माइक्रोगल सेल बना लिया किडनी में मिजेंजियल सेल बना लिया लंग में डस्ट सेल बना लिया बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल बना लिया थाइमस ग्लैंड में जो है, है cells, cells बना लिया, पैराथायराइड ग्लैंड में ऑक्सीफिल सेल बना लिया है ना ठीक है वॉन्डरिंग मोनोसाइट कहते हैं मैक्रोफेजेस को विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ नॉर्मल यूरिन नॉर्मल यूरिन के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट नॉर्मल यूरिन के लिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पी एच ऑफ यूरिन मोर देन एट एवरेज पच्चीस से तीस ग्राम यूरिया हम यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं बिल्कुल सही है कीटोन बॉडी का प्रेजेंस डायबिटीज मेलिटिस में होता है ग्लाइकोस यूरिया को हम हिमोडाइलिस से क्योर कर सकते हैं एवरेज यूरिन का जो पी एच है वो आठ से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा आठ से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा क्योंकि आपको पता है एसिडिक होता है लगभग लगभग करेक्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन करेक्ट नहीं है इनकरेक्ट पूछा है इज इनकरेक्ट इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो ए ऑप्शन करेक्ट इसमें टाइपिस्ट की थोड़ी सी मिस्टेक है हां एक सेकेंड करेक्ट पूछा है ना ग्लाइकोस यूरिया नहीं भाई एक सेकेंड एक सेकेंड ये तो गलत है क्या पूछा है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी इन यूरिन इज इन द इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मिल्टस ये ही सही है इसमें गलत है नहीं 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 यहाँ पे क्वेश्चन में एक सेकेंड क्वेश्चन चेक करना किसी के पास है क्या पेपर तो हम एक बार पेपर देख लेते हैं हमें अभी क्लियर कर देते हैं कि पेपर में कहाँ गलती हुई है हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए हम चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है फोर्टी फोर है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है ताकि पता चल जाए ना किसमें गलती क्या हो रही है करेक्ट ही पूछा है हाँ करेक्ट पूछा है है ना तो यही तो सही है करेक्ट पूछा है अच्छा यहाँ मिलीग्राम दिया है ग्राम होता है ग्राम होता है ना देखिए छोटी छोटी चीजें कितना आपका जो है ना वो दिया हुआ है कितना आपसे वो दिया है आपसे करेक्ट पूछा है हमने ध्यान नहीं दिया ये मिलीग्राम नहीं ये ग्राम होना चाहिए हमने पढ़ाया है लिखवाया है एनसीआर रीड करते टाइम तो हमने ध्यान नहीं दिया अभी इसको ये ग्राम होना चाहिए पच्चीस से तीस ग्राम मिलीग्राम यूरिया नहीं बाकी ये तो हिमोडाइलिस इसका होगा नहीं वो तो हम एजोटीमिया और यूरिमिया के केस में करते हैं नॉर्मल पी ये भी सही नहीं है तो हम यही इसको सही करेंगे ठीक है ना हाँ इसको सही करेंगे वो ग्राम होता है हाँ ये ग्राम होना चाहिए चलिए नेक्स्ट पुट द अब देखिए ये क्वेश्चन ये अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था क्या मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन इफेक्टर सेंसरी और सेंसरी रिसेप्टर एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था ना बताइए जल्दी से हाँ अब देखना जरा हमने क्या पढ़ाया था आपको ये रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन है सबसे पहले क्या होगा सेंसरी रिसेप्टर होगा तो ई होगा फिर वहां से सेंसरी न्यूरॉन जाएगा सेंसरी न्यूरॉन जाएगा किसके पास इंटर न्यूरॉन अंदर है ना तो बी फिर मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर तो डी बी ए सी ई डी बी ए सी सेम यही क्वेश्चन हाँ ऐसे ही क्वेश्चन में गलती हो जाती है अंकिता मौर्य तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है ठीक चलिए ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था हाइपोथेलमस का इसमें फंक्शन कौन नहीं इसमें से हाइपोथेलमस का फंक्शन कौन नहीं है स्लीप वेक साइकिल पहला यही नहीं अभी हम लोगों ने पीनियल ग्लैंड पढ़ा था तो हमने देखा था डायरनल रिदम स्लीप वेक साइकिल पिगमेंटेशन बाकी ये ऑसमो रेगुलेशन तो है टेम्परेचर है मस्कुलर मूवमेंट है एक्यूरेसी तो ये सब जो आप कह सकते हैं हाँ सेम क्वेश्चन था तो यही हम कह सकते हैं कि भाई स्लीप वेक साइकिल को हाइपोथैलेमस रेगुलेट नहीं करता नेक्स्ट देखिए ये देखिए अभी अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था किया था हम आपको इसीलिए बताना चाहते हैं कि हम लोग एकदम सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल किसी तरीके की कि अब कोई समस्या नहीं है अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो हम लोग भी एक दिन ऐसे ही फोड़ देंगे पेपर को एडिशंस डिजीज अभी पढ़ा था हम लोगों ने एड्रीनल कॉर्टिक्स मिनरल और ग्लूको के लो सीक्रेशन से टिटैनी किससे रिलेटेड है पैराथाइरोड एकोमिगैली किससे रिलेटेड है भाई फेशियल डिस्फिगरमेंट अभी देखा था हम लोगों ने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन मिक्स एडिमा गर्ल्स डिजीज था थाइरॉयड अभी पढ़ा था हाँ तो 14 का आप लोग सी बता रहे हैं तो एक का तीन बी का चार सी का एक डी का दो ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय ब्रूनर्स ग्लैंड? बिल्कुल आप आगे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात तो सीधे सीधे आपको यहां दिख रहा है सीक्रेटिन पैनक्रियाटिक और कोलेसिस्ट काएनीन. है ना तो सीक्रेटिन जो है बुपेनक्रियास पे और कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लेडर पे एक्ट करता है और ये दोनों ही डिओडेनम से रिलीज होते हैं डिओडेनम के ब्रूनर ग्लैड से ठीक हाँ वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसको मैच करा लीजिए कैलसीटोनिन एंड थाइमोसिन और थाइरोयड हार्मोन थाइमोसिन तो थाइमस तो ये तो गलत है पेप्सिन प्रोलैक्टिन डाइजेस्टिव प्रोलैक्टिन तो भाई हार्मोन है तो एंजाइम कहाँ होगा ट्रोपोनिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द स्ट्रेटेड मसल सीक्रेटिन एंड रोडोप्सिन आर हार्मोन। रोडॉप्सिन विजुअल पर्पल है पिगमेंट है ये तो हार्मोन नहीं है तो यही सही है ट्रोपोनिन और मायोसिन जो है ये स्ट्रिएटेड मसल में ठीक क्लियर ए कहाँ से कौन बता रहा है अनूप मौर्य थाइमोसिन थारॉइड हार्मोन है क्या थाइमोस ग्लैंड से है भाई वो ठीक है गाउट इज अ डिजीज गाउट क्या है जल्दी से कितना आसान सवाल है किस एबनॉर्मलिटी तो गाउट हम जानते हैं यूरिक एसिड और यूरिक एसिड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ भी? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ही तो ठीक थर्टी थ्री का आंसर बी होगा चलिए देख लेंगे अभी इसको मैच कराइए अभी अभी किया था हमने ये क्वेश्चन अभी अभी किया था आप बताओ हमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन अभी अभी किया था बॉल एंड सॉकेट हिंज पाइवट सैडल सैडल को कितनी बार आपको कहा है सैड हो तो थम्स अप कर थम्स अप करेंगे है ना खुश रहने के लिए तो कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थम तो पहले इसको मिला दो इसको इसको मिला दो हिंज मतलब नी ज्वाइंट पाइवट मतलब एटलस एंड एक्सिस एग्जामर को पता नहीं है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कैसे हैं है ना उनको लगता है कि ये बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन दे दिया हमने और बहुत खुश हो जाते हैं वो तो उनको नहीं पता कि यहाँ पे स्टूडेंट ने सब चीज़ एकदम वो कर लिया है रट लिया है बिल्कुल फोर हो गया सॉरी फाइव हो गया फोर हो गया है ना? फाइव हो गया फोर हो गया तो ये क्वेश्चन कुहू एंड मनु ठीक है बिल्कुल ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट देखिए हेल्दी पर्सन ईट डाइट हेल्दी पर्सन ईट डाइट ऑफ़ फाइव ग्राम रॉ शुगर है ना फाइव ग्राम रॉ शुगर फोर ग्राम एल्ब्यूमिन दस ग्राम प्योर बफेलो घी टू ग्राम वेजिटेबल घी है ना ठीक है इसके बाद क्या कह रहे हैं एंड फाइव ग्राम लिग्निन बताइए जल्दी से बताइए अब यहां पे क्या है फाइव ग्राम शुगर तो फाइव ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फाइव ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है शुगर तो एक ग्राम से चार कैलोरी तो आप कहेंगे बीस यहां हो गया फाइव ग्राम एल्बुमिन फोर ग्राम एल्ब्यूमिन है फोर ग्राम एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन हो गया तो प्रोटीन से भी लगभग चार किलो कैलोरी ही होता है एक ग्राम से बताया भी था हमने आपको तो सोलह हो गया यहाँ फिर दस दस प्योर घी और दो वेजिटेबल मतलब बारह फैट हो गया बारह ग्राम फैट तो फैट से नाइन होता है ना तो बारह इंटू नाइन एक सौ आठ हो गया है ना और लिग्निन की बात कर रहा है तो लिग्निन तो डाइजेस्ट ही नहीं होना है तो लिग्निन से क्या ही एनर्जी मिलेगा तो 108 और 20 कितना हो गया 128 और 16 128 और 16 144 हाँ कितना हो गया 144 एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ ये बात बिल्कुल सही है आई एडमिट माई मिस्टेक आई एडमिट माई मिस्टेक हमने ध्यान नहीं दिया यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म मेटाबोलिज्म से बनता है आई एडमिट माई मिस्टेक यूरिक एसिड पाथवे हमें याद आया प्यूरिन मेटाबॉलिज्म ही है वेरी गुड हाँ नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यूरिक एसिड प्रोटीन मेटाबोलिज्म का पार्ट नहीं है प्यूरिन इन मेटाबोलिज्म का बिल्कुल नेक्स्ट देखिए एक, ये तो कैलकुलेट हो गया अब क्या है बायोस्फीयर रिजर्व डीफर फ्रॉम नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें बायो रिजर्व की बात करें हमें मेटाबॉलिक पाथवे याद आ गया तो वो प्योर मेटाबॉलिज्म ही है बिल्कुल सही है बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और वाइल्ड हालांकि तीनों ही क्या है इनसी टू है ना इन सी टू है चाहे बी हो चाहे नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो ठीक तो बिकॉज इन द फार्मर बायोस्फीयर में क्या है ह्यूमन बींग नॉट अलाउड ह्यूमन आर इंटेग्रल पार्ट प्लांट आर पेड ग्रेटर अटेंशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रॉट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व क्यों प्राइवेसी क्यों है वेरी गुड बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन में ह्यूमंस अलाउड नहीं होते भाई बी ह्यूमंस बीइंग आर नॉट अलाउ अरे हमने आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाया था ठीक इसका ऑप्शन आपके आंसर की में क्या दिया है जल्दी से बताइए कोर जोन बफर जोन और ट्रांजिशन जोन हाँ ये सही है ए सही है ह्यूमन आर नॉट अलाउड इन द बफर जोन कोर जोन सबसे बाहर बफर ट्रांजिशन और कोर कोर जोन में ह्यूमन अलाउड नहीं होता ठीक क्लियर है हाँ तो इसका ऑप्शन ये सही है बाकी ह्यूमन अलाउ होता है नहीं तो भाई वो कोर जोन अब इतना तो अब देखेंगे कि बफर में अलाउ होता है तो क्या इसमें अलाउ नहीं इंटीग्रल पार्ट ह्यूमन उनका नहीं है प्लांट्स को ग्रेटर अटेंशन नहीं मिलता है नेशनल पार्क में और लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूर दूर से नहीं लाया जाता है तो सारे ऑप्शन पे जाइए आप हाँ ठीक चलिए नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द करेक्ट पेयर इसमें से आपको करेक्ट पेयर चूज करना है रेडियल सिमेट्री सिलेंटरेटा सीलोमेट एस्किन मेटामेरिज्म मूलस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पॉन्जेस भाई स्पॉन्जेस तो पोरीफेरा है और किसी कीमत पे ये ट्रिप्लो नहीं होगा ये डिप्लोब्लास्टिक है ना ये क्या है डिप्लोब्लास्टिक प्लास्टिक क्या पूछ रहा है आपसे सेलेक्ट द करेक्ट पूछा है ना हम सोच लगा इन करेक्ट रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा यही करेक्ट है क्योंकि ये तो ए सिलोमेट है एसकेलमेटामज्म आपको अनेलिडा और में देखने मिलता है तो ये गलत ये गलत ये गलत तो आपसे करेक्ट पूछा है तो ए ऑप्शन करेक्ट नेक्स्ट स्टिल्ट रूट Brush root. Root कहां होता होता है? है, अभी हम लोगों ने पढ़ाया था मेज में, में में, में और ठीक? तो समझ आ गया सभी को, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैट विद एनी एक्सेप्शन उस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए उस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए रेप्टाइल्स थ्री चैम्बर्ड हर्ट है भाई कुछ रेप्टाइल में फोर चैम्बर्ड भी है तो एक्सेप्शन तो यहाँ है ठीक कार्डेटा में माउथ होता है भाई एक नेथा में तो माउथ नहीं होता तो हम इसको भी हटा देते हैं कॉन्ड्रिक में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है ये तो बिल्कुल सही है मेमेलिया यंग वन कुछ अंडे भी देते हैं तो यहाँ भी एक्सेप्शन है तो ये बिन, बिना बिना एक्सेप्शन के यही है हाँ बिना एक्सेप्शन के यही है क्लियर सभी को वेरी गुड चलिए नेक्स्ट देखिए अभी हम लोगों ने यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने टेस्ट में एडवेंटिशियस रूट मॉन्स्टेरा एरियल रूट ऑफ मॉन्स्टेरा थॉर्न बोगेन बिलिया लीफ बेस सोलिन पल्विनस एल्यूरोन लेयर सीट कोट आ गया इसका यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग ये सारे ऑप्शन थे हमारे क्वेश्चन में तो दो तीन चार एक बी ऑप्शन करेक्ट क्लियर तो आपने अभी देखा क्या ये टीजीटी पीजीटी से थोड़ी अलग है मतलब कुल मिला के वहां उतना डेप्थ नहीं है हमें एनसीआरटी को ही टच करना है वेरी गुड पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेज पैरापोडिया यूज फॉर स्विमिंग इन आर्थोपोडा एनिलीडा में नेरिस में होता है आर्थोपोडा में नहीं होता ठीक है रेड्यूला आर एक्सक्रीशन नहीं रेड्यूला तो ग्रिंडिंग एपरेटिस है है ना एस डायोशियस है मेल और फीमेल अलग देखने मिलता है एकाइनोडर्मेटा का अडल्ट बायोलेटरल नहीं तीनों टीनोफोरस डिप्लोब्लास्टिक सही तो पूछा क्या है इनकरेक्ट मतलब एक आ, तीन और पांच एक तीन और चार एक तीन चार कैसे भाई अडल्ट बायोलेटरल सिमेट्री थोड़े शो करता है लार्वा तो इसमें चार तो आना ही चाहिए यह ऑप्शन आप वो कर सकते हैं क्या एक दो सॉरी एक दो होना चाहिए ना एक एक दो और चार एक दो चार चार भी तो गलत है हाँ इस ऑप्शन को आप क्लेम कर सकते हैं पहला गलत दूसरा गलत और दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग लार्वा बायलेटरल शो करता है अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पेरेंट अब जल्दी से बताइए भाई पेरेंकाइमा लिविंग है कितना अभी अभी हम लोगों ने प्लांट एनाटोमी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस तो करता ही है जो क्लोरन का होता है इसमें जो क्लोरिन का होता है कोलन नहीं स्टोरेज तो करता ही है म्यूसीज पैरन का इमा पैलीसेड पैरन ये सब सिक्रिशन भी करता है लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से कर पाएगा भाई ये तो लिविंग है वाटर ट्रांसपोर्ट तो इस करता है ट्रैकिट और वेजल तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा ये वेरी गुड फिफ्टी नाइन का डी ओके चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर कितनी बार हमने आपको कहा एज वी मूव फ्रॉम हायर हायर की टू लोअर लेवल टेक्सॉन हायर टेक्सॉन टू लोअर टेक्सॉन सिमिलर कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी बढ़ती है और लोअर से हायर जाते हैं तो सिमिलैरिटी घटती है तो सबसे लीस्ट पूछा है तो लीस्ट मतलब सबसे अपर टेक्सॉक की बात कर रहा है तो इसमें सबसे अपर कौन है सबसे अपर कौन है भाई हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा डीके जीएस डिवीजन किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज डीके पीसीऑफ जीएस तो क्लास सबसे ऊपर है यहां पे क्लास सबसे ऊपर है तो इसमें सबसे कम सिमिलैरिटी होगी डिवीज़न किंगडम जहां किंगडम है फाइलम अरे सॉरी ये डोमेन है ना डोमेन किंगडम ये याद रख लेना फाइलम या डिवीजन अगर प्लांट है तो डिवीज़न क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ठीक है हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच टाइप ऑफ टिश्यू डज नॉट कंटेन प्रोटोप्लास्ट मतलब जो डेड होगा उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा अब आप बताओ इसमें डेड कौन है कोलेन काइमा तो लिविंग है पैरन काइमा तो लिविंग है क्लोरन काइमा तो पैरन काइमा का ही को है स्क्लेरिन काइमा डेड है तो इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा लिखाया था कि नहीं अभी अभी लिखाया था अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने प्लांट टिश्यू याद है ठीक है प्रभा इसमें इंग्लिश में क्या दिक्कत है एकदम आसान तो है आप परेशान वैसे ही हो रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन करेक्ट हाई ऑर्डर देखिए हाई से कितना क्वेश्चन आया है अभी हमने कहा था डी के पी सी आफ जी एस तो पी सी आफ मतलब ऑर्डर के बाद फैमिली आता है यहाँ फैमिली पहले है ऑर्डर से तो ये गलत है ऑर्डर के बाद फैमिली आता है लेकिन यहाँ फैमिली पहले है ये गलत है बाकी सब सही है ये सही है सही है ये सही, है, सही है। ठीक है नेक्स्ट देखिए इन विच फैमिली द बॉडी ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ होल्ड फास्ट स्ट्राइप एंड फ्रंट ये तो हम हमेशा पढ़ाते हैं लीफी एल्गी जिसको बोलते लीफी एल्गी हमने कहा था बिल्कुल राइजोम के जैसा राइजोइट के जैसा रूट फिर बिल्कुल स्टेम के जैसा स्ट्राइप और लीफ के जैसा प्रंट तो ये किसका फीचर है भाई फीओफाइसी का किसका वेरी गुड फियोफाइसी का मैनिटॉल एंड लेमिनयरिन एक भी क्या भी ऐसा आया जो आपको नहीं पढ़ाया गया फीओफाइसी अभी कल ही क्वेश्चन दिया था मैनिटॉल <coughs> लेमिनयरिन अभी ये भी जब हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम तो हमने कहा था इनकॉन्सपिक्यूस स्मॉल मल्टी सेलर फ्री लिविंग प्री-लिविंग गैमिटोफाइट किसका है टेरिडोफाइटा का और उसको प्रोथैलस कहा जाता है ये हमने बार बार वहां पे अंडरलाइन करवाया था आपसे उसको प्रोथैलस कहा जाता है ठीक एम्ब्रियोसेक आ गया क्वेश्चन अभी हम लोग एम्ब्रियोसेक अभी अभी हम लोगों ने किया भी था तो जो एम्ब्रियोसेक है रिप्रोडक्शन तो हमने कहा था एम्ब्रियोसेक सीधी सी बात है एक एक सेल होगा दो सिनर्जी तीन एंटीपोडल दो पोलर न्यूक्लियाई सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेट स्टेज आज के भी क्वेश्चन में है ये आज के भी टेस्ट में है ये हाँ नेक्स्ट देखिए नेम द साइंटिस्ट हु हुटेब्लिश द बायोनॉमिल नाम क्लेचर ठीक इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है मैं पता है आप बता देंगे नेक्स्ट क्या है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स ड्यू टू स्टोमेटा की ओपनिंग किसकी वजह से होती है ड्यू टू द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल कोई हमसे कह रहा था कि मैम एल डी एल डी सी ई का एग्जाम बड़ा टफ आया हुआ था लास्ट के कुछ क्वेश्चन कुछ हैं थोड़े डिफिकल्ट बाकी तो नहीं है ठीक है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल बाकी तो ऐसे एकदम स्वेलिंग इन द वुडन डोर इन रेनी सीजन बरसात के दिनों में लकड़ियाँ फूल जाती हैं डोर फूल जाते हैं ड्यू टू इम्बाइबेशन किसकी वजह से इम्बाइबेशन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पायरेटरी कोटेंट आर क्यू आर क्यू कैसा है बस भाई कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन यही है आर क्यू तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं कल मिलते हैं इसके पचास क्वेश्चन के साथ कल मिलते हैं इसके पचास क्वेश्चन के साथ उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन लास्ट के क्वेश्चन जो लास्ट के क्वेश्चन हैं बताते हैं कहाँ से कहाँ तक के उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है बहुत नहीं है बहुत नहीं है आसान ही है ठीक है लास्ट के तिरानवे से मतलब लास्ट में बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपको लगेगा कि हाँ मतलब आपने जो है कहीं से किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं समझ आएगी आपने सब पढ़ा है इवन जो एन पढ़े हैं उन लोगों ने भी लगभग सब चीज़ें पढ़ी ठीक है प्रीवियस पेपर ऐप में दे देंगे जल्दी दे देंगे थोड़ा सा इन्हीं में आ, थोड़ा सा इसी चीज़ में अभी तो एकदम पूरा अब तो होश जोश आ गया और और कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा टाइम मिलता तो एनसीआर की सारी लाइन वो टाइम हम जल्दी लाएंगे टेंशन मत लीजिए लास्ट के जो हम कह रहे हैं ना कि अगर पाँच छः दिन भी हमारे पास बचता है तो हमें पता है अभी और क्या कराना है ठीक है अगर चार पाँच दिन भी बचता है तो हमें पता है कि हमें और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है बिल्कुल और कुछ भी है अभी बस ज़्यादा हम वो पेन नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत वीकनेस सी है हमको और बिल्कुल जो है ना थोड़ा नहीं तो हम करा देते इसको भी हमारे लिए सौ डेढ़ सौ दो सौ क्वेश्चन कुछ था नहीं जैसे मैम आपके पढ़ाने की वजह से ठीक है तो आप लोग पढ़िए बिल्कुल पढ़िए जितना टास्क दिया जा रहा है और अभी हाँ अभी एक एन का एक वीडियो हम अपलोड करवाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ही आ, कल एक हुआ था ना एक अभी तुरंत करवाते हैं एनवीएस के टाइप का वीडियो है उसको तुरंत देखिए तुरंत देखिए उस टॉपिक को क्लियर करिए फिर हम एन सी पे लास्ट में और फोकस करेंगे एन सी पे अभी हमें एवोल्यूशन पढ़ना है प्लांट रिप्रोडक्शन तो हमने कंप्लीट करवा ही दिया है एक बार एन हल्का सा रीड भी कर लेंगे तो अब कुछ नहीं है उसमें प्लांट रिप्रोडक्शन का आज जो वीडियो हमने दिया था वो आप लोगों ने पढ़ा है क्या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का आज वीडियो जो एन सीरीज़ में हमने अपलोड कराया था वो हुआ है uh, मुझे एन बैच के स्टूडेंट ये बताएंगे कि आप लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन का जो प्लांट का वीडियो हमने अपलोड किया है वो आप लोगों ने पढ़ा है तीन वीडियो रहा होगा चार घंटे में खत्म है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है हर एक चीज मैम ओपन ही नहीं हो रहा है ज्योति शुक्ला ऐसा तो नहीं है यू कैन ने बताया यस yes, मैम किसी ने कहा आधा किसी ने कहा कम्प्लीट यस yes, मैम ठीक है नहीं नहीं उसे उसे कर लीजिए और एक और वीडियो Uh, अभी देखिए एक आध दिन हम और रेस्ट लेंगे बाकी आपका पेपर ऊपर सब बन रहा है जो टेस्ट हो रहा है ना जो टेस्ट देख लेना वो आपका वरदान साबित होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी गुड तो जितना वर्क हम आपको दे रहे हैं मैम एग्जाम कैंसिल देखिए एक बात आपको बता दें एग्जाम पोस्टपोन होने की तो बिल्कुल उम्मीद मत करिए अब तो होगा भी नहीं वैसे भी बहुत एडमिट कार्ड भी एक आ, कुछ एग्जाम का आ गया है और एग्जाम पोस्टपोन होने में आपकी कोई भलाई नहीं है एग्जाम पोस्टपोन होने में आपकी कोई भी भलाई नहीं है आप बस ये मनाइए कि एग्जाम हो जाए जिस स्पीड से और जिस स्ट्रेटजी से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अगर वो ब्रेक हुआ जैसे कोई कहता है कि भाई ये बायोलॉजी है बायोलॉजी बारह महीने से पहले कोई नहीं पढ़ पाएगा इसका कोई क्रैश कोर्स नहीं होता बहुत से टीचर बहुत से लोग कहते हैं कि बायोलॉजी का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता बायोलॉजी तो चार महीने में कभी नहीं खत्म हो सकती बायोलॉजी डेढ़ महीने में नहीं हो सकती तो हमने एक महीने में भी बायोलॉजी पढ़ाया है और स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं हमने चार महीने में भी क्रैश कोर्स पढ़ाया है हमने अभी एनसीईआरटी को साठ दिन में भी पढ़ाया है और मेरे स्टूडेंट यहाँ एनसीईआरटी के हैं जिन लोगों ने ये फटाफट आंसर दिया है है ना तो पढ़ने और पढ़ाने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्लांट रिप्रोडक्शन को हमने तीन दिन में खत्म किया है विद ऑल पॉइंट्स ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़ाते उससे कुछ कम हो क्रैश कोर्स का एनिमल किंगडम पढ़ना ही नहीं है ना निधि गहलयान तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है ठीक है पढ़ने का एक तरीका पढ़ाने का एक तरीका सब पढ़ाते हैं सब पढ़ते हैं हम लोग भी पढ़ रहे हैं हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं हमारा सिलेक्शन भी तो हो रहा है ना एनवीएस में तो झंडा गाड़ दिए बिल्कुल स्टूडेंट ने इतने सारे सिलेक्शन जी में हुए अब हमें के का इंतज़ार है और मेरी उम्मीद है आप लोगों से और हम लोग जो कर रहे हैं अभी तक सत्तर क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो हम लोग अभी इसी एक महीने में ना पढ़े हो ना तैयार की हो इस सत्तर क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन बताइए जो हम लोगों ने अभी एनसीआरटी में एक महीने में ना पढ़ा हो फिर आने वाले पचास क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे कि क्या होगा विनीता सिंह बिल्कुल मॉलिक्यूलर के भी डिटेल भाई आपका बैच है आपका बैच है आपकी संस्था है आप बोलोगे तो हम सारे डिटेल बैच डिटेल लेक्चर अपलोड कर देंगे केवीएस बैच में मॉलिक्यूलर का भी डिटेल लेकिन हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना चाह रहे हम स्टेप बाय स्टेप काम करवा रहे हैं आपसे आप, आप उतना ही काम करिए ठीक है तो आप लोगों का ट्रस्ट हम लोगों की मेहनत भाई तबीयत की थोड़ी सी क्या है अभी Uh, कल हम हॉस्पिटल गए डॉक्टर ने एडमिट करने को भी इवन बोला कि अगर ऐसे रहेगा तो फिर आप एडमिट हो जाइए इससे आपकी ज्यादा अच्छे से केयर हो जाएगी लेकिन मेरी समस्या एक क्या है आप जानते हैं मेरा एक बेटा है अभी थ्री इयर्स का है हम उसको देखिए हम हमें नहीं पता कि लोग कैसे पढ़ाते हैं कैसे क्या करते हैं सबके पास ट्वेंटी फोर आवर्स है उनको खाना पीना है पढ़ाना है भाई कोई पढ़ा रहा है तो उसके पास इतनी तो अर्निंग होगी कि उसको बस पढ़ाने से मतलब बाकी सारे काम अपने आप स्वतः हो रहे होंगे क्योंकि अर्निंग है मेरे पास अर्निंग है समय भी उतना ही है लेकिन मेरा एक बेटा है पूरे दिन कभी काम करते रह जाते हैं और रात में सो नहीं पाते पिछले दस दिन में यही हुआ कि उसका उसको चोट लगी फट गया था उसका सर टांके चले घर में एक और बच्चा था सेम डे उसका एक्सीडेंट हो गया उसका पैर टूट गया अभी भी वो बेड रेस्ट पे है मतलब एक लड़का रहता है गांव का ही तो वो देखभाल करता है फिर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई बाबू को देखना वैसे भी बाबू को भाई बच्चा है तो वो तो उसकी केयर तो हम ही कर सकते हैं हम लोग ही कर सकते हैं है ना और उसके बाद तो मेरे पास पढ़ने पढ़ाने फिर भी हम अपना सारा काम कर ही रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं हमारे पास सारा काम करने के बाद और फिर इस बीच इतनी लापरवाही मुझे मेरे तरफ से हो गई और फिर भी हम कल तक कल तक ना हम रुके होते लेकिन फाइनली जब हमसे सुबह बेड से उठाने गया तो लगा कि कुछ ज़्यादा दिक्कत है गए तो हीमोग्लोबिन कम बीपी लो ड्रिप लगाने की बात हुई फिर हमने कहा नहीं हम घर पे ही सही हो जाएंगे आज भी अभी दो तीन दिन का बेड रेस्ट ही है लेकिन हमें लगा कि हम थोड़ा ठीक फील में कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ना बताते तो आपके अंदर और कॉन्फिडेंस ना आता और हमें जब तक हम आपके साथ सामने नहीं आते हमें लगता है अधूरा है है ना इसमें मेरा पर्सनल बेनिफिट भी हो सकता है म्यूचुअल बेनिफिट भी हो सकता है है ना तो वही बात है और एक बच्चे को संभालने में तो घर के तीन तीन चार चार मेंबर लग जाते हैं मेरे पास तो बच्चे के संभालने के बाद इतने सारे बच्चे हैं उनको भी संभालना है ठीक है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है मिलते हैं हम काम आपसे जो ले रहे हैं वो आप कर रहे हो सीक्वेंस में हमारा एंजे हमें बचा ही कितना है बस अब बायोटेक और इकोलॉजी वाला पोर्शन बचा है बाकी इवोल्यूशन है बीच में और आ, मोलिकुलर uh, में थोड़ा सा जीन uh, रेगुलेशन और ट्रांसलेशन वाला पोर्सन बचा है तो वो सब तो बायोटेक तो एक दिन में खत्म कर सकते हैं बायोटेक एक दिन में खत्म हो जाएगा दो चैप्टर है इकोलॉजी आराम से खत्म हो जाएगा तो हम केवीएस बैच में बायोटेक और इकोलॉजी अपलोड करवा दे रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिए एनसीआर बैच में रिवाइज करा देंगे उसके बाद आ, दूसरी चीज ये है दूसरी बात दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो टेस्ट हो रहा है वो लगातार हो रहा है टेस्ट पेपर आज हमने अभी आज अपलोड हुआ है फिर जेनेटिक्स मोलिकुलर इवोल्यूशन का होगा ठीक है जेनेटिक्स मॉलिकुलर और इवोल्यूशन का तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए इवोल्यूशन हम तैयार करवाते हैं इवोल्यूशन तैयार करा देंगे आपका परसों टेस्ट है तो देखते हैं कल ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जितना वर्क दिया जा रहा है उसको बिना पूरा किए आगे मत बढ़िए एक स्ट्रेटजी और प्लान तरीके से है आज क्या अपलोड होगा आज हाँ मॉलिकुलर में थोड़ा बाकी ठीक है चलिए चलिए फिर मिलते हैं जल्दी जो अभी हम एक लेक्चर जो अपलोड करवा रहे हैं उसको फटाफट पढ़िए तो इससे आपका जो आठवां यूनिट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला वो बिल्कुल मतलब माइक्रोब्स इन बायोलॉजी क्या है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है उसमें हाँ वही अपलोड करवा दीजिए सीता मैम प्लीज रैंकर बैच में एम पी वाल एम पी वालों का एक से एग्जामिनेशन है ना लास्ट के बीस से बीस तारीख से तीस तारीख मतलब अट्ठाईस फेबर मतलब लगभग दस दिन तक हम आपको आश्वासन देते हैं कि लास्ट के आठ से दस दिन हम पूरा फुल्ली डिवोटेड फॉर एम पी जो जो एग्जामिनेशन आएगा वो करेंगे परेशान मत हुई एम पी एग्जामिनेशन के लिए लास्ट के आठ से दस दिन बिल्कुल पूरी तरह से डिवोटेड परेशान बिल्कुल मत होना एमपी वाले हम आपके लिए भी करेंगे ठीक है चलिए फिर मिलते हैं मैम ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट अपलोड करवा दीजिए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ रुचि शर्मा एक मिनट हम बैठ जाते हैं अब आप पूछिए जिनको जो पूछना है पूछिए जिनको जाना है वो लीव कर सकते हैं टाइम इज़ मोर प्रेशियस है ना मच प्रेशियस यू कैन से जिनको जाना है वो लीव कर लीजिए और जिनको जो पूछना है वो यहाँ रुके रहे हम उनका आंसर दे रहे हैं बैठ चुके हैं जिनको जाना है वो चाल क्योंकि अब हम स्टडी रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे केवल क्वेरी आपकी सॉल्व करेंगे लाइडिया ए जेनेटिक्स ओनली वन वीडियो डन मैम तो लाइडिया आप क्रैश कोर्स में हैं आई थिंक तो आप क्रैश कोर्स से जेनेटिक्स आपने ही कहा था अपलोड करने के लिए एक बार हमें याद आ रहा है जब हम आप क्रैश कोर्स में थे तो तो आप तो जेनेटिक्स वहाँ पे कर चुके हैं ना तो आप जेनेटिक्स वहाँ से पढ़ लेना समीक्षा पांडे मैम मॉलिकुलर वीडियो हाँ बिल्कुल करा देंगे मॉलिकुलर का पहले जेनेटिक्स तो पढ़ लीजिए पहले जेनेटिक्स पढ़िए फिर मॉलिकुलर का कराते हैं डॉक्टर कविता शर्मा बताइए रुचि शर्मा जेनेटिक्स करा रहे हैं जेनेटिक्स का एक ही वीडियो है ना उसमें एन से तो एक ही वीडियो है जेनेटिक्स का निधि गहलियान क्रैश कोर्स से सब टॉपिक नहीं करना है आपको क्रैश कोर्स से एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम बहुत पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप क्रैश कोर्स भी अच्छे से पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है आपका टी एस या जिस भी चीज़ के लिए है वो सब तैयार हो जाएगा दीक्षा शुक्ला क्या पूछ रहे हैं आप हाँ रुचि शर्मा थोड़ा सही होने दीजिए करा देते हैं कल देखते हैं या फिर जैसे भी है करा देते हैं परेशान मत होइए या फिर हम एक कोई वीडियो है पहले का हम उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं परेशान मत होइए देख रहे हैं क्या हो सकता है हाँ इवोल्यूशन का भी होगा आपको एक वो बताएं सबको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं फिलहाल के लिए आप मेरे नाम से सर्च करना मोलिकुलर बायोलॉजी बाय अंजू मैम इवोल्यूशन बाय अंजू मैम एक एक लाइन एन का हमने पढ़ाया है साइंस प्लेनेट करके एक चैनल है फिलहाल फॉर द टाइम बींग के लिए बाकी तो हम तो पढ़ाएंगे अगर आपके लिए थोड़ी सी जल्दबाजी है आप वेट नहीं कर सकते हैं एक दो दिन तो आप मेरे नाम से मोलिकुलर बायोलॉजी सर्च करना एकदम डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा आपका चैनल साइंस प्लेनेट करके है जिस पर आप लोग टेस्ट देते हैं आप वहाँ से पढ़िए आपको मज़ा आ जाएगा एकदम अच्छा लगेगा मेरे नाम से इवोल्यूशन सर्च मारिए उस चैनल पे आ जाएगा आप इवोल्यूशन वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ाया है जो अभी हम लोग एन पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ाया है एक एक लाइन और मज़े की बात तो ये है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं वहाँ से बोलते मैम यहाँ से बहुत मज़ा आता है पढ़ने में आपने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है वाइट बोर्ड पे ठीक है कम लाइट में कम फैसिलिटी में अच्छी पढ़ाई हुई है सीता मैम मैं रैंकर बैच में हूँ डर लग रहा है अभी ज्वाइन की हूँ आपको तीन से पांच वीडियो देखती हूँ अच्छा पढ़ाती हूँ मैं देर से ज्वाइन की कोई बात नहीं है जब जागे जागो तभी सवेरा हाँ कुहू एंड मनु मिल जाएगा एनसीआर का प्रीवियस वीडियो भी मिल जाएगा हाँ बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं यही तो हमने बताया कि मेरे कुछ स्टूडेंट वहाँ पे कमेंट करते हैं कि मैम आपके इस बैच के हैं और आपकी ये वाली वीडियो देख रहे हैं बहुत मज़ा आता है तो आपको सच्ची बात बताएं तो आप वहाँ पे पूरी एन का पूरा एक्सप्लेनेशन पाएंगे फ्री में जस्ट हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई बहुत कायदे से और सुकून से पढ़ना चाहता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप वहाँ से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का भी वीडियो देखेंगे तो पूरी एन एक्सप्लेन किया है मतलब कोई एक ऐसा चैप्टर है ही नहीं जो वहाँ एक्सप्लेन नहीं है जब हम बोर होते थे लॉकडाउन में तब आज से चार साल पाँच साल पहले वो काम किया था हमने चार साल पहले लगभग तो आप एक बार देखना जरूर क्योंकि आप लोग अब मुझे इतना डॉक्टर कविता शर्मा क्या पूछ रहे हैं केवीएस के लिए एन एंड केवीएस बैच दोनों नहीं 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 डॉक्टर कविता शर्मा अभी फॉरदर टाइम आप एन ले लीजिए बारह सौ पचास का के वी एस बैच मत लीजिए वो तीन हज़ार पाँच सौ का है और आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इतना पैसा क्यों वेस्ट करोगे आपकी स्टोरी टेलिंग वाली ट्रिक से चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं फुल एन कवर हो जा रही है वेरी गुड डॉक्टर कविता शर्मा आप फॉरदर टाइम बींग के वी एस के लिए बस एन सी आर टी सीरीज़ बारह सौ पचास का ले लीजिए और के वी एस बैच लेने की ज़रूरत नहीं है अभी सीता मैम चैनल नेम साइंस प्लेनेट है मेरा नाम से डालेंगे एक तो आ जाएगा कोई भी चैप्टर का नाम ऐसे डालेंगे मेरे नाम से तो वहाँ पे आ जाएगा आप देख लीजिएगा चलिए ठीक है हम चलते हैं मेरी दवा खाने का टाइम हो गया है और आप लोग भी अब अभी किसी की क्वेरी है क्या अभी किसी की क्वेरी है ये हम चलें फिर बस एकदम लगे रहिए आप लोग एकदम अच्छे से रूपम तमरकर मैम प्लीज सजेस्ट कीजिए रैंकर में क्या क्या पहले पढ़ लें ताकि वीडियो डालें हैं इतना टाइम नहीं है तो अभी अब दस दिन में हाँ डॉक्टर कविता शर्मा आपको टेस्ट सीरीज उसी में मिलेगा आप हेल्पलाइन पे बात करेंगे पचास या इक्यावन रुपये का चार्ज वो लेके आपसे उसमें ऐड कर देंगे टेस्ट सीरीज में तो रूपम तमरकर अभी आपको हम क्या सजेस्ट करें आप आप अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हैं तो आप एन सीरीज़ ले लीजिए बारह सौ पचास का उसमें आपको कितना पढ़ना है बस वहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा तो आप फॉर द टाइम बींग एनसीआर सीरीज ले लीजिए बस वहीं से आपको पढ़ाई करनी है सारी एन सी कवर उसके बाद मॉडल पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट सब कुछ उसी में है ठीक है सोनम वर्मा थैंक यू सो मच मैम अब हमें जेनेटिक्स समझ आ रही है बिल्कुल सब समझ आ जाएगा सोनम प्रजापति मैम ऑल बैच के लिए कॉमन प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे के वी एस से पहले तो मॉडल पेपर तो चल रहे हैं ना सोनम प्रजापति मॉडल पेपर जो हम यूट्यूब पे आते हैं तो वो तो हम आप ही लोगों के लिए कराते हैं ना जो लोग हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है किसी रीज़न से बाकी हम चाहते तो यही थे कि हमने इतनी कम फी रखी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन करके एक स्ट्रेटजी से पढ़ें है न तो हमने इसीलिए 1250 मात्र फी रखा था कि ताकि कोई भी स्टूडेंट इसे ज्वाइन करने से हिचके ना ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग एक स्ट्रेटजी देखिए 1250 कुछ नहीं है भाई एक के की प्रिपरेशन के लिए जिसमें टेस्ट है एन एक्सप्लेनेशन है मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर है इतनी शिद्दत से पढ़ाई जाती है सारी चीज़ें इतना स्ट्रेटजी में आपको इतने टाइम में इतना करना है सब बताया जाता है लेकिन आप लोग वो पैसा बचाने के चक्कर में एक एक, एक एक्स्ट्रा हेडेक ले लेते हैं पढ़ते नहीं है कहते से नंदिनी कटारे नहीं जितना हमने पढ़ाया उतना पढ़ना है आपको अभी तो डिपार्टमेंटल में आ गया था अभी आप चलेंगे कॉकरोच से क्वेश्चन आया है अभी हम क्या बताए डिपार्टमेंटल में कॉकरोच से क्वेश्चन आया है तो कैसे कह दे कि कॉकरोच नहीं है तो नहीं आएगा हमें तो कॉकरोच भी पढ़ाना है अभी हमें अर्थवम भी पढ़ाना है डिलीट नहीं है ठीक है तो इसीलिए चलिए ठीक है चलते हैं अभी है ना अब चलते हैं आप लोग भी जाइए पढ़िए अभी अब क्वेरी आपकी खत्म हो जानी चाहिए क्या बोला आपने आ, नंदनी कटारे निधि गालियान सुप्रीम बैच क्रैश कोर्स ले रखा है टेस्ट सीरीज भी ले रखी है अब क्या बताएं आपको आज आप पूछ रहे हो नहीं तो हम कुछ करवा देते आपके लिए कंसेशन के साथ एन में ऐड करवा देते चलिए ठीक है आप ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन जो नीचे नंबर है ना ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन मैसेज करिए आपको ऐड करते हैं ठीक है बताते हैं क्या करना है ट्रिपल एट सेवन वन नाइन सेवन टू नाइन वन पर मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप करिएगा निधि गहल्यान ठीक है ओके ओके चलते हैं फिर गुड नाइट मिलते हैं कल कल भी कोशिश करेंगे कि मिलते हैं ओके ठीक है ठीक है